हिमाचल को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने अभियान चलाकर पॉलीथीन को एकीकृत किया जा रहा है। 2 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान नगर परिषद एरिया से पॉलीथीन को एकीकृत करके पीडब्ल्यूडी विभाग को भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद के द्वारा हर वार्ड में सफाई कर्मचारी न केवल लोगों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि पॉलीथीन प्रतिबंधित होने की भी जानकारी दे रहे हैं। नगर परिषद के सफाई अधिकारी जिंदर शर्मा ने बताया कि पॉलीथीन हटाओ प्रदेश बचाओ विशेष अभियान के तहत सफाई कर्मचारी पॉलीथीन इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद हमीरपुर ने 27 मई से इस अभियान को शुरू किया है, जो कि 2 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी हर वार्ड में जाकर पॉलीथीन इकट्ठा कर रहे हैं। पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ 27 मई 2018 से 2/6/2018 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक को इकट्ठा किया जा रहा है, पॉलीथीन अभियान, और इसके बारे में बताया जा रहा है। कल हमारे द्वारा गांधी चौक में रैली निकाली गई, उसके बाद वार्ड नंबर 9-10 के नाले और अतली खाड के 19 किलो पॉलीथीन इकट्ठा किया। आज वार्ड नंबर 6 और 2 की पॉलीथीन अभियान चलाया हुआ है, इसमें से हमने 15 kg पॉलीथीन इकट्ठा किया है। ये अभियान 2 तारीख तक चलता रहेगा और लोगों को समझाया जा रहा है कि आपको पॉलीथीन बंद है और हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाने हेतु हमारा साथ दें। ये अपने हक को दिया जा रहा है। ये 2 तारीख को फिर हम अपने इधर जगह जगह पर जो हमने जगह बनाई है अपनी वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं और 2 तारीख को जो है वहां को भेजा जाएगा, पीडब्ल्यूडी को भेजा जाएगा, और बाकी जो दूसरे रैपर हैं, चिप्स वाले हैं, वो उनको लाके लिए उनको दबाया जाएगा।